ट्रेडिशनल तरीके से आज मैं आपको मछली फ्राई की रेसिपी बताने वाली हूँ। तो इसे मैंने कैसे बनाया है, कैसे इसमें इतनी टेस्ट आ गए हैं, अब पूरी जानकारी मैं देने वाली हूँ। तो बिल्कुल ही फ्रेश आपको मछली ले लेनी है और अच्छी तरह से धो लेना है। ऊपर के जो छिलके हैं अच्छी तरह से साफ कर लेने हैं और 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से आपको धो लेने हैं। इसे बिल्कुल ही कच्चा मसाला से मैं बनाने वाली हूँ। सिलबट्टे में आप पीस के भी बना सकते हैं या फिर जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं ना, बस उसी तरीके से मैं आज इस रेसिपी को बनाने वाली हूँ। तो नमक डाल दिया, हल्दी डाल दिया, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से आपको सेट कर लेना। ये देखिए हल्दी की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी और इसे अच्छी तरह से कोटेड करके कम से कम 5 मिनट छोड़ देना। तब तक इसके मसाले बना लेते हैं। तो धनिया पत्ती आपको ठंड में ज़्यादा मिल जाएगी और फ्लेवर वाली मिलेगी। तो क्या करना, अच्छी तरह से इसके जड़ के डंठल उसको काट लेना है, नीचे के जो टहनी है ना बस उसका इस्तेमाल करना है, पत्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसे टेस्टी बनाने के लिए मैंने डाल दिया इसमें सरसों। ये देखिए पीली वाली सरसों का इस्तेमाल किया है। अगर आप कम मात्रा में बना रहे तो कम सरसों और मसाले को कम रख सकते हैं। तो 2 हरी मिर्च को भी मैंने रख लिया है। उसके बाद मैंने लिए हैं टमाटर। टमाटर को थोड़ा सा अगर कम यूज करना चाहते हैं, सूखे वाले बना रहे हैं तो थोड़ा सा कम यूज कीजिएगा और अगर ग्रेवी वाले बना है तो ज्यादा यूज करिएगा। उसके बाद मैंने डाल दिया जीरा, उसके बाद मैंने डाल दिया धनिया। ये देखिए सभी को अच्छी तरह से आपको डाल देना है। और इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है और कुछ लहसुन मैंने खड़े हुए भी डाले हैं और थोड़ा सा मैंने अदरक का भी इस्तेमाल किया है। और सभी चीजों को पीस लेना, पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें जीरा का पाउडर, अगर चाहे तो आप पीस के भी ले सकते हैं। और फिर डाल दिया मैंने मिर्ची का पाउडर। मिर्ची का पाउडर आप अपने तीखा के अनुसार ले सकते हैं, थोड़ा सा तीखा बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा फ्लेवरफुल बनता है। उसके बाद क्या करना, आपको पेस्ट ले लेना। ये देखिए अगर हल्का सा पेस्ट लग रहा है आपको, जितना लगाना है बस यही पेस्ट से इस रेसिपी को बनाने वाले हैं। आप चाहे तो इस पेस्ट से जो ग्रेवी बनाई है ना, जो पेस्ट अच्छी तरह से पीसे हैं उसे आप ग्रेवी बना के यूज कर सकते हैं। और अगर आपको सूखे वाले मछली बनाने हैं तो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा आप मसाले की कम कर दीजिएगा। बहुत ही कम मसाले का इस्तेमाल करके आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो कम मसाले को ले लेना है और अच्छी तरह से पीस देना है और कम से कम इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको लेना है सरसों तेल। जी हाँ दोस्तों, सरसों तेल में अगर कोई भी रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो सरसों तेल को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करना है। गर्म करेंगे तो मछली बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी आपस में और बहुत ही टेस्टी वाली मछली आपकी बनके तैयार हो जाएगी। जितनी जगह है, अगर पहली बार बना रहे हो तो मछली की मात्रा आपको कम रखनी है, ज़्यादा मात्रा आप ना डालें। और अगर आप हमेशा बनाते हैं मछली फ्राई हमेशा करते हैं तो ज़्यादा मात्रा में इसमें डाल सकते हैं जैसे मैंने डाला है। तो बस इसे अच्छी तरह से एक साइड सीख जाना है, उसके बाद आपको दूसरे साइड इसे पलट लेना है। और हाँ, इस बीच आपको गैस की फ्लेम बिल्कुल ही मीडियम रखना है, ज़्यादा लो भी नहीं रखनी है, ज़्यादा हाई भी नहीं रखनी है। और अच्छी तरह से दोनों साइड से इसे आपको तल लेना है। बहुत ही टेस्टी वाली मछली फ्राई की रेसिपी बनती है। कई बार आपने मछली फ्राई की रेसिपी देखी होगी, लेकिन अगर इस तरीके से ट्रेडिशनल वाले तरीके से आप एक बार बनाते हैं ना तो सारे तरीके आप भूल जाएंगे। देखिए अच्छी तरह से आपको भून लेना है और बहुत ही टेस्टी वाली गर्मा गर्म आपकी मछली फ्राई की रेसिपी ये देखिए तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से बना सकते हैं। और हाँ, इस रेसिपी को अगर आप पसंद करते हैं तो एक लाइक भी कर सकते हैं। ये देखिए बचे हुए वाले पीसेस को भी मैंने डाल दिया है। और हाँ, इस तरह की रेसिपी मैंने बहुत सारी चैनल में मेरे पढ़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप की, अगर आपको बिल्कुल ही अलग अलग तरीके को बनाने का शौक है ना, तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी वाली रेसिपी आपकी ये देखिए तैयार हो चुकी है। आशा करती हूँ आपको काफ़ी पसंद आएगी।